इस समय आपको अपना और अपनों का ख्याल रखें और दूसरों की भी मदद करें। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक चीज़ें जो आज हम जानेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल थे 395, पार्ट्स थे 22, शेड्यूल थे 8, लेकिन बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, संशोधन हुए। तो आज करंट में आर्टिकल है हमारे पास 448, पार्ट से 25, शेड्यूल है 12 और अमेंडमेंट हो चुके हैं 104। अमेंडमेंट क्या होते हैं? अमेंडमेंट नए नए बिल लाना या बिलों में थोड़ा संशोधन करना, कुछ बदलना, उसे कहता है अमेंडमेंट। जो अब तक 104 हो चुके हैं। जो पहला अमेंडमेंट हुआ था वो 1950 में हुआ था, और अमेंडमेंट नंबर 101 है जीएसटी। जीएसटी के बारे में आप सभी को पता है, कई लोगों का मानना है जीएसटी का जो अमेंडमेंट नंबर है वो 122 है, लेकिन वो नहीं, गलत है। वो बिल नंबर उसका 122 है, अमेंडमेंट नंबर 101 है। फाइनली जाके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड का सबसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का है। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत सारी ड्राफ्ट कमेटियाँ बिठाई गई थी, असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलियाँ बैठी थी। जो पहली मीटिंग हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसके उस टाइम के प्रेसिडेंट थे सचिन आनंद सिन्हा जी, वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट बने राजेंद्र प्रसाद जी, और उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए गए, डिपार्टमेंट और कमेटी बनाई गई। कमेटी को काम ये था कि जैसे कि वो स्पोर्ट से नियम है वो कोई और कमेटी इकट्ठा करेगी, कोई लॉ से रिलेटेड नियम है वो कोई और कमेटी इकट्ठा करेगी। और ये बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, और ड्राफ्टिंग कमेटियाँ बनाई गई थी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनका काम था कि सभी सूचनाओं को, रिपोर्टों को मिलाकर एक अच्छा सा प्रारूप बनाना, जिसके हेड और चेयरमैन थे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, और उनके साथ उन्हें उन्हें मिला के 7 लोग थे। अब उन 7 लोगों के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। और जिन लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। और जिन लोगों ने अब तक नहीं किया, जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके तो करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।